हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम है, फिर से आ गई हूँ मंदिर दर्शन करने। ये देखिए कामतानाथ आ गए हैं फ्रेंड्स, तो पतिदेव उधर हैं, दर्शन करने यहाँ आए थे थोड़ा काम से, तो सोच रहे थे दर्शन भी करते जाएं। मैहर हो आए हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, भोजी जी हम आ रहे हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब समय ख़राब चल रहा होता है तो हम हर जगह जाना चाहते हैं भगवान के पास। तो वैसे सबसे ज़्यादा कब हम जाना चाहते हैं? जब हम खुश होते हैं अंदर से, जब हमारी आत्मा अंदर आत्मा खुश होती है, जब हमारे पास सब कुछ होता है, सुकून शांति धन दौलत हर चीज़, तब हम खुशी से मंदिर वगैरह जाते हैं। और जब तकलीफ़ होती है तो ये सोच के जाते हैं कि प्रभु हमारी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देना। तो यही कुछ मैं भी सोच के आई हूँ भगवान के दरबार। ये पुरानी वीडियो है, जब मैं ननंद के यहाँ थी तब गई थी, तब का है। तो मैं सोच रही थी डाल दूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट नहीं करती, मन ही नहीं होता मेरा। और जिस काम के लिए मन ना होना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी मेरा बिजनेस है। मैं सोच रही हूँ अगर मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया तो मेरा चैनल वैसे भी कम चल रहा है और ठप हो जाएगा। ये देखिए, ये मैहर की सीढ़ियाँ चढ़े थे ना, तो इनके पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, तो आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। जीजा जी हैं वो गए, हम लोग काम से आए थे यहाँ पे, और फिर सोचे पास में था दर्शन करते जाएं प्रभु के। ये चित्रकूट जिले में है कामतानाथ का मंदिर, आप लोग अगर यहाँ आए दर्शन करिएगा आके। देखिए मंदिर आ गए हैं, कुछ लोग देखिए गाना गा रहे हैं, कुछ जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। चित्रकूट में यहाँ जहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं ना, यहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, यहाँ सीता रसोई है, बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे कुछ दिन सीता राम लक्ष्मण जी मतलब रहे हैं ना, तो उन्हीं की सारी कुछ छवियाँ हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। जय माता दी करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए सीताराम लक्ष्मण जी ईद पर यहाँ पर होती है, यहाँ पर कामतानाथ होती है, यहाँ पर जो आती है उनकी कामना पूरी होती है श्रद्धा से, अगर हम मानते हैं तो। हो गया दर्शन, हो गया, अंदर का पूरा रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। नारियल भी हमने फोड़ दिया है, प्रार्थना भी कर ली है, प्रभु देखते हैं कब सुनते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक टाइम आता नहीं है तब तक कोई काम होता नहीं है, भगवान का एक टाइमिंग होती है। बस उन्हीं के मत्थे मैंने छोड़ दिया है। और फिर देखिए ननंद के घर पहुंच गई थी रात को, अरे सुबह, उसके बाद फिर अपने घर आ गई हूँ उनके घर से। यहाँ पे चाउमीन बच्चे ले आए हैं, क्योंकि खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, कुछ डिस्टर्बेंस जब से घर में चल रही है तब से खाना टाइम से नहीं बन पाता है मेरा। तो बच्चे 20-20, 40-40 का पता नहीं कितने का है, चाउमीन बनवा के ले आए हैं यहीं मार्केट से। फिर उसके बाद मैंने सब्जी मंगा ली है, कोहड़ा मूली लौकी टमाटर, सब्जी इतनी महंगी चल रही है फ्रेंड्स कि आप पूछिए ही मत, हालत ख़राब है। 3 दिन ननंद के घर में रही हूँ, एक दिन मैहर गई थी, एक दिन घर में रुकी थी, फिर एक दिन कामतानाथ गई थी। बस मतलब दर्शन के लिए ही मैं गई थी, ये लोग जा रहे थे तो इनके साथ में चली गई थी। अब फिर से आ गई हूँ अपनी राम कुटिया। मॉर्निंग का टाइम है, आज है नवरात्रि का पहला दिन यानी मंगलवार, 9 तारीख सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज से फिर मैं कंटिन्यू ब्लॉग अपना बनाऊंगी, डेली डालूंगी, आप सब देखते रहिएगा। ना डेली डाल सके तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो डालूंगी ही, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। और माता रानी से भी मैं विनती करूंगी कि मेरी लाइफ में खुशियाँ दें और सारे कष्टों का सवन कर दें। जय माता दी। चलिए फिर बने रहिए, अभी तो फिलहाल जा रही हूँ पूजा पाठ करने, बच्चे गए स्कूल, अभी सब आज से शुरुआत की है स्कूल जाने का, क्योंकि अभी आप सभी पिछले ब्लॉग देखे होंगे, हम लोग कहाँ गए थे, मैहर गए थे, कामतानाथ गए थे, ननंद के यहाँ थे एक दिन, वहाँ का तो मैंने शूट नहीं किया, मन नहीं था, लेकिन जहाँ गए थे घूमने वहाँ का किया है। तो फाइनली अब घर आए हैं कल, तो आज से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, आप सब बने रहिएगा। देखिए धूप इतनी ज़्यादा तेज हो गई है, 3 दिन हमारा घर बंद था तो एकदम से अजीब सा लग रहा था, फिर आते ही
मैंने घर में सबसे पहले झाड़ू लगाया, बच्चे नहा रहे हैं, हर्ष नहा रहा मेरा, झाड़ू लगाया पोछा, उसके बाद लगा कि घर घर है। दो तीन दिन के लिए अगर आप घर अपना लॉक करके जाते हैं तो अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिला, बहुत लेट हो चुका है। मंदिर यहीं पास में था तो मैं हो आई हूँ, उस वाले मंदिर नहीं गई हूँ, काफ़ी लेट उठी हूँ। क्या होता है ना, जब आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में किसी से भी, तो आपका रूटीन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि हम हाँ समझदार हैं, हर चीज़ हम बिल्कुल अपने टाइमिंग से करें, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप हम अंदर से जब खुश होते हैं, कुछ मोटिवेट हो तभी हम कुछ कर पाते हैं ना, जब अंदर से ही कमज़ोर हों तो अच्छा नहीं लगता है। भगवान की पूजा पाठ में भी तब मन लगता है जब स्थितियाँ थोड़ी सी बेटर हों, थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ भगवान सुन रहा हमारी। कभी कभी क्या होता है ना, भगवान चुपचाप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पता नहीं किस दिन का वेट किया करते हैं वो। गलत जहाँ हो रहा वो भी हो रहा, जहाँ सही हो रहा वो भी हो रहा, मतलब सब कुछ देख रहे होते हैं चुपचाप। ये बात मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आया करती है। मुझे लगता है कि भगवान आप अगर देख रहे हो तो वहाँ तत्काल आप वहाँ कम से कम रिजल्ट दो, ये तुम्हारी गलती है, बट ऐसा होता नहीं है। भगवान का एक नियम अलग है, खैर उनके नियम में हम नहीं उंगली उठा सकते। इधर देखिए, घर की मैंने पूजा माता रानी की कर ली है, मंदिर को साफ कर दिया है, चुन्नी उन्नी जो माता को मैंने उड़ाया था उस निकाल ली हूँ, धुलना है, और बस यहाँ पे मंत्र जपूंगी, उसके बाद फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सब कहते हो ना साधना दी, टेंशन मत ले। चलिए फ्रेंड्स, हो गई पूजा पाठ, और कुछ देखती हूँ क्या करती हूँ, व्रत वत नहीं हूँ, लेकिन हाँ पूजा कर ली हूँ। नवरात्रि का दिन चल रहा है, माता रानी से आशीर्वाद मिल गया है। अभी चलिए चाय बना के पी लेते हैं, बिस्तर नहीं बना है, बिस्तर बना लेते हैं। देखिए, आप लोगों से बातें करने के बाद फिर आई चाय, मैंने बनाया, आटा गूंधा, बच्चों को रोटी बनाई हूँ, मतलब पराठा, वो लोग पराठा चटनी खा चुके हैं। उसके बाद फिर सब्जी छौंकने लगी हूँ। नवरात्रों में पहले व्रत रहती थी, अभी व्रत रहने का कोई मतलब, मन्नतें भले कितनी भी हों लेकिन होता है ना, जब हम कोई मन्नत मान लेते हैं जब पूरी हो जाती तब हम व्रत रहते हैं, तो अभी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए मैंने व्रत को भी होल्ड में रखा हुआ है, नहीं रहती हूँ। मन से ना रहूँ, अंदर से मान लो व्रत में शुरू कर दूँ और दिल से खुश ना रहूँ तो माता रानी भी नाराज़ होंगी ना, इसलिए नहीं रहती हूँ। जब समय स्थितियाँ सब कुछ माँ ठीक करेगी उसके बाद फिर रहूँगी, क्योंकि व्रत रहती थी तो अजीब लगा करता है ना दिन, मुझे दोनों तूर की रहती थी, मतलब चैत्र नवरात्र भी और जो कुंवार में होती है ना अक्टूबर में वो वाली भी, बट अभी व्रत नहीं रहती तो मुझे हमेशा नवरात्रि के दिनों में अजीब लगता है कि मैं व्रत नहीं रह पाती, लेकिन कोई बात नहीं, समय ही तो है, जब समय ख़राब होता है तो अच्छी अच्छों को रोना पड़ता है, मैं तो फिर मामूली औरत हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में, आई होप कि आज सब लोग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।